अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। व्हाट इज दिस? पूरब पश्चिम दोनों एक साथ? ये लोग भी नशे में है क्या? हेलो भाई, तो फ्री में सर्कस देखने मिल गया। What the hell? ये क्या किया सोनल ने? मलिष्का का नशा उतर जाए इसलिए सोनल ने पानी में धक्का दिया उसे। अच्छा हुआ सोनिया, कम से कम मलिष्का का नशा तो उतर जाएगा। हाँ, पर ये चीपो लक्ष्मी, उसका नशा तो नहीं उतरा है ना? अरे हमें उससे क्या मतलब है, करने दो उससे जो करना है। बुआ, पर ये लक्ष्मी तमाशा तो हमारा ही बना रही है ना सबके सामने। अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है, डोन मारी। मलिष्का गिर गई, मतलब उसको नशा उतर ही गया होगा। शालू, तो जो हम करने वाले थे वो नहीं कर पाएंगे क्या? कैसे करेंगे? ये आयुष भी ना, सब इस झले की वजह से हुआ। दी, तू होश में नहीं है, ठीक है? हम तुझे कुछ खिलाते हैं, दही है ऐसा कुछ, उससे तेरा होश। बालूशानी, क्या रोक रही हो उसे? आज तो होली है ना, और होली तो त्योहार ही होता है ना घुलने मिलने का। और इसमें ना, इसमें तो दुश्मन भी गले लग जाते हैं। और मैं और लक्ष्मी तो दुश्मन है अभी नहीं। बस करो मलिष्का, बस अपना ड्रामा बंद करो। हम सब जानते हैं कि तुम दी को अपना दुश्मन मानती हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि दी ने जीजू को तुमसे छीना है। लेकिन सच क्या है ये तुम भी जानती हो। तुमने आज तक सिर्फ दी को दुखी दिया है। शालू, तू क्यों बोल रही है ऐसा? मलिष्का क्यों करेगी ऐसा? अरे जीजू के लिए करेगी। मलिष्का ऋषि जीजू के लिए कुछ भी कर सकती है, है ना मलिष्का? अगर ऋषि को कुछ भी हो जाता ना तो मैं मर जाती। मैं मर जाती। थैंक गॉड बच गई मलिष्का। हाय बाबा जी, इस चंट मलिष्का ने तो पूरी बात ही बदल दी। सच बोल के भी नहीं बोला। जाओ लेकर जाओ मलिष्का को। जी माँ। मुझे नहीं पता था कि तुम गिल्ट फील कर रही हो, एंड इट्स ओके। तुम मुझे नहीं बचा पाए, इट्स कंप्लीटली फाइन। यस, एक तीर से इतने सारे शिकार, और मेन तो ये ऋषि, ये क्लीन बोल्ड। आज हुई है रियल हैप्पी होली मेरे लिए। बैठो, और अब इस कमरे से बाहर नहीं आओगी तुम, समझी? माँ भी ऐसे ही करती थी, ऐसे ही कभी कभी रूम में बंद कर देती थी। हम तुम्हारी मॉम नहीं है, और ना ही कभी बन सकते। हम लक्ष्मी को उसके कमरे में छोड़कर आए। थैंक्स मॉम। ऋषि, जब तक लक्ष्मी को होश नहीं आता तुम उससे मिलने उसके पास नहीं जाओगे। क्या? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा मॉम।
थैंक्स। बट थैंक गॉड ये अब इस घर की बहू नहीं है। अरे सब लोग क्या कहते हैं कि ओबेरॉय खानदान की बहू ने आज नशा करके तमाशा कर दिया और अपने ही ससुराल वालों की नाक कटा दी, उन्हें ही गालियां दे दी। और उसकी बहनों ने, उन्होंने मेरी बेटी को नहीं बख्शा। बेचारी मलिश्का को धोखेबाज कहते, जबकि असली चालबाज और धोखेबाज तो वो तीनों बहनें हैं। आई स्वेयर कि लक्ष्मी ना अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। मॉम इतना बड़ा तमाशा हुआ आपके सामने ना, आपको कुछ नहीं कहना इतने बड़े तमाशे पर? नहीं कुछ नहीं कहूंगी। अरे मैं तो उन लोगों को ही कुछ नहीं कह पाती जो होश में रह के ये सब करते हैं, और उसने जो किया वो तब होश में नहीं थी। Oh my God, क्या बात है, क्या बात है मॉम, क्या बात है। मतलब आपने इतने अच्छे तरीके से हमें बात सुना भी दी और लक्ष्मी को भी बचा लिया। क्यों मॉम, क्यों आप ऐसा क्यों करती हैं? Okay, wait. वो होश में नहीं थी, उसने नशा किया हुआ था, पर अच्छा ही है ना, उस बहाने हम सबको पता तो लग गया कि उसके मन में आखिर चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, सबने देख तो लिया। हाँ देख लिया, उसने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला और किसी का अपमान नहीं किया। जाने दे करिश्मा, कुछ बोल के भी क्या फायदा, क्योंकि तुम लोग तो कुछ समझोगे ही नहीं। क्या नहीं समझेंगे मम्मी जी, यही कि लक्ष्मी अच्छी है। हाँ वो अच्छी है, उसने सबके सामने हमें इतना भला बुरा कहा, पर आपको लगता है उसने सही कहा, हमारा अपमान नहीं किया। चलिए ये तो समझ में आ गया कि वो आपके लिए अच्छी है और हम आपके लिए क्या है। अच्छे अच्छे ही होते हैं, हालात चाहे कुछ भी हो। और एक बात नीलम, तुम लक्ष्मी को सजा नहीं दोगे, उम्मीद है कि तुम हमारी ये बात मानोगी। ना माने तो रिक्वेस्ट समझ लो, रिक्वेस्ट भी ना माने तो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।